मेरे YouTube फैमिली, अभी है शाम का टाइम और कितने दिन के बाद मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ। और अभी मैं जस्ट 1 बजे बर्तन धुली थी, इतने सारे मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर से बर्तन हो गए इतने सारे इकट्ठे, पता नहीं कहाँ से खाना कम खाते हो बर्तन कितना इकट्ठा हो जाता है। और कई दिन हो गए मैं सोचती हूँ कि वीडियो भी बनाऊँगी, शॉर्ट्स भी नहीं बना पाती मैं सच्ची बताऊँ तो। कल बस मेहंदी लगाए थे बाल में, तो आज बाल धुल लिए हैं और ये दाल वाल थोड़ी थोड़ी सी बची है, तो मैं सोच रही हूँ इन सबको भी फिर। अरे भाई ढंड होता ही रहता, थोड़ा थोड़ा जो बच जाता ना वो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ये देखिए फिर से बर्तन इकट्ठा हो गया। और स्वप्निल ने बोला है मम्मी मुझे थोड़ा सा चाय और बिस्किट दे दो। मैंने बोली कि आदत छुड़ा ले, अभी तो मैं दे दूँगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसको ना शाम को भूख लग जाती है बहुत तेज। और पता नहीं कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा कि पीजी मिलेगा, पता नहीं। अभी हॉस्टल नहीं मिलेगा तो पीजी दिलवाना पड़ेगा, और पता नहीं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा क्या होगा। टाइमिंग का भी होता है ना कि इतने टाइम में चाय मिलता है, इतने टाइम में नाश्ता मिलता है, इतने टाइम में खाना मिलता है, तो मैं यही सोच रही थी। और इसको बिस्किट वगैरह भी ज़्यादा नहीं खा सकता ये, क्योंकि जो मैदा वाला बिस्किट होता है ना इसको डॉक्टर बिल्कुल ही मना कर रखा है, आज सिंदूर भी नहीं लगाया। कैसे लग रहे, एक तो यहाँ की ना और भी बाल उड़ गए हैं, तो और ऐसे लग रही पागल की जैसी लगती हूँ मैं। 2-3 चीज़ ना मुझे खुद ही गंदा लगता अपने आप में, मैं बताऊँ। एक तो मुझे गर्मी इतनी लगती है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं टी शर्ट के अलावा ना कुछ भी कुर्ती वगैरह भी पहन के जाती हूँ कहीं, फट से उतार के और फेंक देती हूँ। और इसमें वीडियो रोज शूट करो इतना गंदा लगता खुद ही कि जो वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि इसके पास यही 2 टी शर्ट ही है, इतना लूज है ना ये। मैंने 3XL मंगवा रखी, बहुत लूज है, मुझे आराम लगता है इसको पहन करके। और कुर्ती वगैरह भी लोग पहनते हैं घर में, मेरे को पता नहीं, मैं सोचती चल घर में ही तो कि कुछ भी कैसे भी डाल लूँ तो चलता है। तो बस वही मैंने कि बहुत दिन के बाद आज कैमरा उठाई तो थोड़ा बहुत आप लोगों से कर लूँ। तो वही अभी तो मेरे तो कुछ नहीं है, बिस्किट वगैरह जितना हो पाएगा मैं सब कुछ जो जैसे करूँगी वो आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही सब कुछ। अभी एक्चुअली एडमिशन ही नहीं हुआ, अभी कहीं निकला ही नहीं कॉलेज में इसका, तो देखती हूँ। ये तो कंफर्म हो चुका होगा दिल्ली में ही, लेकिन ये नहीं हुआ है कौन से कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए भी है थोड़ा सा परेशान हो रखे हैं, है ना। हमेशा ना डब्बे सब में ना कभी हल्दी ख़त्म, नमक खमक ख़त्म ही रहता सच्ची में। ज़िंदगी झंडवा और फिर भी घमंडवा, वही हमेशा ज़िंदगी में कुछ कुछ परेशानी लगी रहती है। बस वही है, मैंने अभी बोली हूँ, जैसे इसको बोलती हूँ ना खाना खा ले तो बोलते थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो बोलती है थोड़ी देर बाद तुझे निकलेगा ना, अभी इतने साल से तो चल 2 बजे नहीं खाएगा, 2:30 बजे नहीं 3 बजे सब निकलेगा, क्योंकि हॉस्टल में रहेगा कि पीजी में रहेगा, टाइम से ही देगा ना वो खाना। और इसको मैदा का सामान भी नहीं कुछ बचता है कि कुछ भी खा ले, मंचूरियन चाउमीन और या तो मोमोज, कुछ भी बचता नहीं है, वो भी नुकसान है, डॉक्टर ने मना कर रखा है बिल्कुल। मैदा जैसे खाता पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी परेशानी है, पता नहीं क्या ही करेगा, मुझे वही लग रहा है। और इसको ये भी नहीं है जैसे सिमरन सब करें कि फ्रूट वगैरह खरीद के, तो ये प्याज के लिए सूंघ ली मैंने, तो ये फ्रूट भी नहीं, मतलब इसको ये है नहीं कि फ्रूट व्रूट सब कुछ नहीं खाता ये। जैसे अनार मैं छील के रख दूँगी ना तो कटोरी में, तो अनार खाएगा, और ये संतरा सेब सब ये सब नहीं कुछ भी खाता, तो वो सब कुछ इसके लिए परेशानी है समझ लो। पता नहीं मैंने ये बोली कि तो आएगा ना वहाँ से, तो इतना ऐसा ऐसा हो के आएगा, और हो भी गया ना कोरोना में 2 साल घर में, 2 साल ड्रॉप हो गया, तो 4 साल से घर में है ना, तो वो आदत हो गई इसको खाने पीने की, नाश्ता की, हर चीज़ की टाइम से। देखो तो क्या कैसे होगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मुझे भी बहुत परेशानी होने वाली है क्योंकि बाहर से कुछ भी सामान वगैरह मंगवाना होता है, इसको बोलते हैं स्कूटी से तुरंत झट से ला देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप ना छोटा मोटा काम तो कर लेते हो, कभी कभी बहुत बड़ा वाला काम होता है, अर्जेंट होता, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। इसको भी मैंने बोली भी बाद में, तैयार भी और सिखाने के लिए ना, तो क्या हो गया, ये हो गया अपना उठने वाला काम है। ये ना बारिश ही हो रही कई दिन से, मौसम एकदम फिसलने वाला है,
इस चक्कर से गिर ऊपर जाऊंगी तो दूसरा ही हो जाएगा, अभी इसका ज़रूरी है एडमिशन, इसीलिए मैं भी इतना ज़्यादा जिद नहीं किया। देखते हैं क्या कैसा, मुझे भी बहुत परेशानी होगी, इसको खाने पीने कर लेके परेशानी होगी, मुझे सामान वगैरह कौन ला देगा। ये देखिए छोटी सी चम्मच ये मिली थी ना आइसक्रीम के साथ, बहुत क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी, इसको रखी हूँ ऐसे संभाल कर। तो जैसे जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, जो भी कॉलेज वाले जो भी होगा थोड़ा बहुत ले सकते हो, जहाँ जहाँ वीडियो जब तक एडमिशन होगा नहीं हुआ है, सब कुछ जब कंफर्म हो जाएगा तो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। हॉस्टल मिल जाता सबसे अच्छा होता, हॉस्टल अगर नहीं मिलेगा पीजी मिलेगा तो वो भी अच्छा वाला ही लेंगे, बहुत सारे भेड़ बकरी वाला नहीं लेंगे, कुछ अच्छा वाला लेंगे, उस साइड में देखेंगे कैसा कौन सा मिलता है। यही सब लेके अभी गुंदुन मतलब ऐसा चलता रहता है, गुंदुन मतलब होता है ना मन में कुछ कुछ ख्याल, यही सब चलता रहता है। अभी क्या है कि जिस जब इसको मन होता तब नहाना, तब ये अभी वहाँ पे सब कुछ इसका चेंज हो जाएगा, सब कुछ है तो वैसे समझदार, लेकिन वही खाने पीने में ये नहीं है ना कि दूसरे बच्चे तो कुछ भी खा ले, अगर जरा से इसका मुँह में दाना भी चला जाता ना उसका जीरा सब का भी फट से मुँह से निकाल देगा, तो वो आगे इसको बहुत परेशानी होने वाली। हाँ ठीक है बच्चे हैं समझ जाएंगे, और सब जगह तो हम लोग नहीं जा सकते हैं ना, कल भी हम लोग सोचे पहले दिल्ली चले जाएंगे, फिर मन नहीं करता है, ठीक है जहाँ पे हैं, दूसरा बच्चा भी है सिमरन भी है उसको भी तो देखना है ना, यहाँ वहाँ वहाँ करते रहें, वो भी आई है तैयारी करने के लिए, तो बस यही सब बहुत सारा वो चलता रहता है। तभी मैं पता है क्या करती हूँ आप लोग को बताऊँ, तो मैं जो भी याद आता है ना मैं एकदम से फट से एक कॉपी बना रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये पूरा लाइन है ना, ये भी लिखा, ये भी जो भी चीज़ ना मुझे एकदम से याद आती है इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको वहाँ पे मैं फट से लिख लेती। देखो रात को मैं पाउडर लगा रही थी तो मैंने पाउडर लिख लिया कि बच्चा बार गर्मी में पसीना सा आएगा तो इसको ज़रूरत पड़ेगी, नमकीन लिख लिया, जैसे ब्रश करने गई तो पेस्ट याद था तो पेस्ट लिख दी, साबुन सर्फ मतलब शैम्पू जो भी होता, कप में सुबह चाय पी रही थी फट से पहले लिख लिया, फिर मैं बाहर गई चाय पीने के लिए, तो उसके बाद इंडक्शन वाला चूल्हा देना पड़ेगा कभी भूख लगे बच्चा है मैगी वैगी बनाने के लिए, बर्तन देना है गिलास थाली चम्मच चाय पत्ती भी दूंगी चीनी भी दूंगी, बेडशीट देना है पिल्लो कवर देना है, मैं सब कुछ लिखी हूँ अभी जितना मुझे याद आता है जो मैं करती हूँ ना घर में यूज वो मैं लिख लेती हूँ, गमछा इसको 3-4 देना है, तेल क्रीम बिस्कुट मैगी चिया सीड्स देना है कि सुबह कुछ नहीं रहेगा तो चिया सीड्स अपना भिगो के 1 चम्मच रात को भिगो देगा उसको याद करवा दूंगी मैं, चिया सीड्स देना है और डब्बा देना है 4-5 जिसमें थोड़ा सा नमक थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ये सब डाल के दूंगी, ब्रश है अभी एक्स्ट्रा और भी एक दे दूंगी, बादाम देना है 1 शीशा देना है किसी भी वगैरह करने के लिए, उसके बाद कंघी देना है, उसके बाद ये क्या ट्रिमर जो सेविंग वाला है इसके पास भूल ना जाए मैं इसके लिए बोल रही हूँ, फिर मैंने चाकू लिखी हूँ, फिर मैं लिख रही हूँ प्याज काटने वाला जो खींचने वाला ऐसा था जो काट सकता है ये वाला है ना ये इसमें डाल के इसमें काटिंग नहीं हो चाकू आपको डर वर नहीं रहेगा, इतना नीचे रखी हूँ मैं, उसके बाद लिखी हूँ घी दूंगी थोड़ा, हैंड वॉश देना है, उसके बाद पानी वाला बॉटल देना है, अचार देना एक छोटा सा डब्बा, बॉडी वॉश जो होता है ना साबुन अगर कभी जल्दी में नहीं लगाए तो, सो जो जो मुझे याद आता समय लिखती जाती हूँ। चलो मैं इसको चाय दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहें आप लोग में, आप लोग भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं कैसे भूतनी जैसी लगती तो बस इसको भी पानी वानी देती हूँ तो हरियाली बनी हुई देखिए गमला ना सुंदर लगे, आप लोग बने रहो मैं चाय दे देती हूँ इसको, फिर मैं बर्तन दिखाती हूँ। ये सारे बर्तन वगैरह इसमें डाल दी हूँ, पानी डाल दी हूँ क्योंकि अभी माँजूँगी सूख ना जाए तब तक, और अभी दोपहर में जस्ट इसको माँजी थी कि चकला बेलन सब मतलब ये आटा वाटा गूंढने वाला सब माँजी थी मैंने, और अभी 2 बोतल भी रखी हूँ खाली पानी भरना है, तो चलो इसको फटाफट मेरी चाय बन गई है चाय बना के दे देती हूँ, और ये पेन और कॉपी भी मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि उसी में मुझे डाल के रखना है, मैं आपको बताऊँ जहाँ लिखी थी ये वाले में कि जब भी मुझे जो चीज़ याद आए फट से भी लिख लूँ है ना। स्टील वाला डिब्बा ना एक मेरा टेढ़ा हो गया था, ढक्कन नहीं लग रहा था इसका, इसको मैंने ये सब्जी वगैरह जो काट कुट जो गाय को देना होता है इसके लिए ही बना लिया, और ये देखिए इसको भी पानी वानी डाल रहे अच्छे से ना, तो ये भी हरा हो रखा है बिल्कुल ग्रीन हो रखा है ये देखिए ना। तो चलो जी चाय इसको मैं दे देती हूँ पहले, और फिर चाय वाला सस्पेन भी हो गया मेरा बर्तन धोने में, ये भी धो धा के फिर मुझे रोज़ ही सब्जी लेने के लिए जाना है, और बाल मेरे सारे उड़ के कैसे हुए गंदे से, तो शाम को सब्जी तो एक बहाना है थोड़ा सा चलना हो जाता है इस बहाने, तो मैं आज भी सोच रही थी शॉर्ट्स बनाऊंगी, फिर मैं सोच रहा था चल तो रहा नहीं है तो क्या ही बनाऊँ, लोग तो पता नहीं क्या ही हो गए, और यूट्यूब पर मेरा चैनल आ गई मतलब शॉर्ट्स भी नहीं बना रहे वीडियो भी नहीं,
तो इसीलिए मैंने छोड़, मन करता है सारी गाड़ी सोचती क्या पहनूँ क्या बनाऊँगी, फिर मैं मन उतर जाता, मैंने कहा रहने दो अब नहीं बनाना है, कल बना लूँगी परसों बना लूँगी। चलो बहुत पकेती कर ली, और आप लोगों को भी किसी के भी बच्चे होंगे जा रहे होंगे तो बहुत सी चीज़, एक टावल लिखना है अभी मुझे याद आ गया मोटा वाला, क्योंकि पोछने उछने के लिए चाहिए था, एक पैर पोछने के लिए पैदान चाहिए। देखो अभी बात करते करते मुझे दो चीज़ फिर याद आ गया, मैं फट से लिख लेती है ना, ऐसे लिखते जाओगे ना तो मतलब कुछ भी मार्केट भी मैं जाती हूँ ना तो मैं एक पर्ची पे लिख लेती हूँ, जैसे मुझे कल मार्केट जाना है ना और जैसे एक्स्ट्रा सामान लाना है मैं ऐसे ही करती हूँ, लिखती जाती हूँ क्योंकि मार्केट जाके फिर याद करूँगी क्या लेना है क्या लेना, ऐसे नहीं करती हूँ मैं, ऐसे लिख के रखती हूँ। तो अभी इसका सामान की बारी है, तो चलो पैर पोछने वाला और एक चीज़ से तौलिया लिख लेती हूँ। चलो इनको दे देते हैं चाय और बिस्किट बटर राइट, पूरा ही इसको अलग अलग टेस्ट का चाहिए इसको भाई, बैठी है ये बटर बैठी है।